नमस्कार, सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम अर्थ अनर्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे चार खबरों पर, जिसमें दो विदेश से जुड़ी भारत की ही खबरें हैं और दो भारत के अंदर हो रही घटनाओं की, जिसका हम पर आप पर सीधा असर हो सकता है, उसकी खबर है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जाने माने पर्सनालिटी, जाने माने चेहरे शीतल पी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत शीतल जी आपका। धन्यवाद। तो जिन चार खबरों की हम बात कर रहे थे, उनमें दो खबर तो विदेशों की मैंने बताई, और पहली खबर ये है कि अमेरिका ने भारत के एक रॉ के ऑफिसर पर वांटेड का नोटिस जारी कर दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी, निज्जर हत्याकांड को लेकर जिस तरह कनाडा भारत पर लगातार आरोप लगा रहा है, भारत सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता की बात वो कर रहा है, इस पे पांच और बड़े देश, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम सहित और पांच देश जो फाइव आईज कहे जाते हैं, उन्होंने भी अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही तीसरी खबर ये है कि भारत में जो हंगर इंडेक्स है, भूख का जो सूचकांक है, एक सूची जारी हुई है और इसमें 127 देशों की सूची में भारत का स्थान 105वां है, बहुत नीचे स्थान है ये है। और प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक और सूची आई है, जिसमें $6.85 से नीचे रहने वाले जो भारतीय हैं, ये 1990 से अगर तुलना करें तो उससे भी हम खराब स्थिति में हैं। तो शीतल जी, सबसे पहले तो भारत की विदेश नीति क्या हो, किस तरीके से हम अमेरिका को जवाब दें, या अमेरिका ने जो भारत के एक रॉ ऑफिसर को वांटेड कर दिया है, ये कितना डेंट है भारत के ऊपर, कितनी इससे हमारी जो पहचान है या जो हमारा एक बाकी देशों के बीच पैठ थी, उसमें डेंट हुआ होगा। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है जो कनाडा और अमेरिका दोनों जगह प्रकाश में आया है, इसने भारत की जो एक छवि थी अभी तक, उसमें एक नया आयाम जो नकारात्मक है जोड़ दिया है कि हम उन देशों की श्रेणी में आते जा रहे हैं जिन देशों में कानून कायदे को के पालन को लेके गंभीरता नहीं होती और जो असंवैधानिक किस्म के तौर तरीकों को प्रयोग में लाते हैं अपने राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को फॉलो करने के लिए या अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भी। भारत में आतंकवाद एक भीषण समस्या है और हमारे यहाँ खालिस्तान के नाम पर जो हुआ और इस्लाम के नाम पर बहुत तरह से पाकिस्तान के पड़ोसी होने के नाते जो उपयोग है, वो सब हमारे यहाँ निश्चित तौर पर हमारी आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक सुरक्षा का जो सवाल है, उसमें एक बड़ी समस्या पैदा करता रहता है। नक्सलवाद भी एक भारी समस्या है, लेकिन सवाल है कि इनको हल, आप एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते आप इन समस्याओं को कैसे हल करेंगे, और तो वो भी तब जब उनमें से कई मामलों में उसका रिश्ता विदेशों से हो जाए। जैसे हमारी बड़ी आबादी जो है विदेशों में अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में जाती है, जिसमें से बहुत सारी आबादी वहाँ बस भी गई है, वहीं के वो नागरिक वगैरह हो गए हैं, लेकिन जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके सवाल हैं, कई बार वो अपने सवालों के साथ विदेशों में बसे होते हैं और उन सवालों को विदेशों में, चूंकि वो तुलनात्मक रूप में सुरक्षित होते हैं, वहाँ से उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। खालिस्तान वाला मसला ऐसा ही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको हैंडल करते समय जो हम पर आरोप लग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसीज ने उनको हैंडल करते समय गैर कानूनी तौर तरीकों को अख्तियार किया, और इस मामले में जो अमेरिका वाला कांड है उसमें हमारा एक रॉ के लिए काम करने वाला अधिकारी, जिसको अब भारत सरकार का कहना है कि वो नौकरी में नहीं है, उसका नाम आ गया है और उसको FBI ने वांटेड लिस्ट में कर दिया है। एक और भारतीय मूल का नागरिक उनकी गिरफ्त में पहले से है, जिसके बयान वगैरह उनके पास हैं और वो कोर्ट वगैरह में उसका उपयोग करेंगे। बात तो यहाँ तक हो रही थी, बीच में खबर आई थी जो पुष्ट नहीं कर सकता हूँ मैं, कि हमारे NSA को लेकर भी वहाँ की एजेंसीज पूछताछ उनसे कर सकती हैं और इसलिए उनका भविष्य में अमेरिका जाने वगैरह के मामले में
उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि उनको वहाँ की अदालतों वगैरह में जवाबदेह होना पड़ सकता है। पीछे बार भी शायद वो इसी वजह से जब प्रधानमंत्री गए थे तो वो नहीं जा पाए थे जी। तो ये जो सूचनाएं एक के बाद एक आ रही हैं, ये भारत की ऐसी छवि नहीं थी पहले कभी भी। भारत बहुत बार ऐसा रहा है कि उसके और वाशिंगटन के बीच तनाव रहा है। बहुत बार हमारे नेतृत्व की अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जो राय रही है या राष्ट्रीय मसलों पर जो राय रही है वो पश्चिम से भिन्न रही है और आमना सामना हमारा रहा है, लेकिन हम कभी इस तरह की नकारात्मकता में नहीं फंसे कि हमको एक क्रिमिनल स्टेट के तौर पर लिया जाए या रफ स्टेट जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पार्लेंस में उस तरह से लिया जाए। ये चीज़ उस रास्ते पर बढ़ती हुई दिखती है जो उचित नहीं। शीतल जी, आपको क्या लगता है कि इन दोनों घटनाओं को FBI द्वारा भारत में रॉ के लिए काम कर चुके एक अधिकारी के लिए वांटेड लिस्ट में नाम जारी करना और साथ ही इन पांच फाइव आईज को कनाडा का साथ देना, कनाडा का आरोप लगाना, हमने देखा कि दोनों देशों ने किस तरीके से अपने अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया, क्या इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ कर देखा जाना चाहिए और भारत की छवि को लेकर कितनी ख़राब हुई होगी या कितना हम इसको बाद में मेंटेन कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है वो मतलब उसमें और अमेरिका में कोई जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनकी एक दूसरे से बहुत अंतर गुम्फित है। उसके भौगोलिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं और बहुत सारे कारण। तो ये सोचना कि कनाडा में जो कुछ हो रहा था उसका अमेरिकी एजेंसीज़ को और अमेरिकी प्रशासन को नहीं पता था या कनाडा कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जिसमें अमेरिका की उसको सहमति नहीं है, ये तो बात कहीं से सिरे नहीं चढ़ती। बल्कि वो जो आपने फाइव आईज़ की बात किया जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं कनाडा और अमेरिका के बाद, ये सब लोग सुरक्षा और अन्य मामलों में एक दूसरे से बिल्कुल गुम्फित हैं और एक दूसरे से सूचनाओं के आदान प्रदान में और सहमति के आदान प्रदान में इनमें कभी भी हम फर्क नहीं पाते। तो ये जो कुछ भी हो रहा था, जो जांच भी चल रही थी, ये जांच के स्तर पर ही ये सब एक दूसरे से बहुत सारी सूचनाएं अमेरिका और कनाडा में, तो सारी सूचनाएं मैं कह सकता हूँ, बहुत सारी नहीं, सारी सूचनाएं एक दूसरे की जानकारी में रही होंगी और हैं आज भी। बल्कि इन पाँच देशों में भी वो बहुत सारी ऐसी सूचनाएँ जो समय समय पर वो समझते हैं कि इनकी सूचना साझा कर लेनी चाहिए, वो साझा करते रहे होंगे। और ये जो बात आई है ये ऑस्ट्रेलिया से भी एक बार उठ चुकी है, ये वहाँ के अखबारों में भी ये शिकायत आई है कि भारतीय एजेंसियों के काम करने के तौर तरीके को लेके वहाँ चिंताएं व्यक्त की गई हैं और कुछ उसमें जांच वगैरह भी हुई है वहाँ। तो ये इन पांचों देशों में जिनमें आपस में बड़ा साहचर्य है उनके भीतर आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये सारी बातें एक दूसरे से शेयर्ड है, उनके डिसीजन भी एक दूसरे से शेयर्ड है और उनमें सहमति भी है और ये हम लगातार उनकी कदम ताल में देखेंगे जैसा हम अभी देख रहे हैं। और ऐसे कई मौकों पर हम लोगों ने देखा है कि न्यूजीलैंड का स्टैंड भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ अलग नहीं होता अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात की जाए तो। तो ये तो थी दो वो खबरें जिससे कि अनुमान लगाया जा रहा है या ऐसा हो रहा है कि भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर थोड़ी सी हल्की सी धूमिल ज़रूर हो रही है और मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को, खास करके विदेश मंत्रालय को, किसी सॉल्यूशन के साथ आगे आना होगा ताकि भारत की छवि पर कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़े। और दो खबरें और जो हैं वो भी हंगर से संबंधित हैं, भूख से संबंधित हैं। जो हंगर इंडेक्स जारी हुआ है 127 देशों की, शीतल जी, उसमें 105वां स्थान पर भारत है, यानी भारत से नीचे सिर्फ 22 देश और बच गए हैं। तो ये तो एक समझाइए अपने दर्शकों को कि ये हंगर इंडेक्स होता क्या है, क्या जब हमें पूरी तरीके से खाना नहीं मिले दो दिन चार दिन इसे कहते हैं कि वहाँ भूखमरी है, या फिर बैलेंस डाइट नहीं मिले उसे कहते हैं भूखमरी है, ये क्या है और क्यों भारत का स्थान इतना नीचे आप देख रहे हैं? देखिए, दुनिया में ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जिनको अब बहुत ज़्यादा देशों में मान्यता प्राप्त है, जो इस तरह के तमाम अध्ययन सालाना तौर पर करती रहती है, ये उनमें से एक है और सर्व स्वीकृत है। ये ऐसा नहीं है कि
देश में मोदी की सरकार आ जाने के बाद शुरू हुआ है और भारत देश के लिए शुरू हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके पहले की सरकारों के समय जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो भारत को प्रभावित नहीं करती थी और अब करने लगी हैं। ये बातें मनगढ़ंत हैं और इनका कोई आधार नहीं। ये जैसा कि बताया गया कि 128 देशों के अध्ययन के आधार पर उन देशों को उन्होंने श्रेणीबद्ध किया है जो उनके अध्ययन का विषय है, और हर साल ये रिपोर्ट आती है, हर साल उसमें कुछ उलटफेर होता रहता है थोड़ा बहुत। हमारा 2013-14 में जो सूचकांक था वो 55 के आसपास था कहीं, अभी वो 100 पार कर गया है। ये बहुत गंभीर बात है। ये सूचकांक बनाने के उनके जो पैरामीटर्स हैं उनमें वो कई बार संवर्धन करते रहते हैं। इसका मतलब सीधे ये नहीं ले लेना चाहिए कि आदमी एकदम खाना उसको नहीं मिल रहा है, वो एकदम खाली पेट है और भूख से उसकी मौत हो रही है। एग्जैक्टली ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी के भरे पेट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किसको भरा पेट माना जाए, इसके कुछ पैरामीटर उन्होंने बना रहे हैं। उसमें कुपोषण भी आता है, स्त्रियों की रक्ताल्पता भी आती है, बच्चों की जो वृद्धि होती है, ऊंचाई वगैरह, एक उम्र में उनका जो वजन होता है, ये सब चीज़ें आती हैं, और निश्चित तौर पर जिसको हम भुखमरी समझते हैं वो भी एक हद तक आती है। ये सब मिलजुल के एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है जिसको वो अध्ययन करके श्रेणीबद्ध करते हैं और प्रतिवर्ष उसको जारी करते हैं। इसका सिर्फ भारत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत भी उन 128 देशों में से एक है। भारत से चूंकि हमारा आपका संबंध है, इसलिए इनको ले इन सूचनाओं के आने पर हम आप चिंतित होते हैं, हमारे आपके बीच इसकी बहस चलती है, चलना भी चाहिए। तो ये जो आंकड़े हैं ये हम अपने आसपास देख सकते हैं। आप अगर उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में देखें, अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखना चाहें, अगर आप नहीं देखना चाहते तो बात दूसरी है, आप हवाई अड्डे देख लीजिए, बंदरगाह देख लीजिए, मॉल्स में आप चले जाइए, अंग्रेजी के अखबार देख लीजिए, मॉल्स देख लीजिए, टेलीविज़न देखते रहिए, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आप मना कर सकते हैं कि देश में कुछ ऐसा नहीं है, या आप बनते हुए हाईवेज देख लीजिए या एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चला के निकल जाइए, तो आपको आपके लिए फिर ये आंकड़ा फर्जी भी हो सकता है, आप इसको फर्जी भी करार दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में, अपने घर के नीचे, अपनी कार के ड्राइवर के रूप में, या सड़क पे फेरी लगाने वालों के बीच में, या अपने आस पड़ोस की वर्किंग क्लास आबादी को देखेंगे, आपकी बिल्डिंगें बनाते हुए जो मजदूर काम कर रहे हैं, जब आप उनको ध्यान से देखना शुरू करेंगे तब आपको इन आंकड़ों की सच्चाई बाकायदा समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतने से समझ लीजिए कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया था, जब हमारे यहाँ कोरोना की दस्तक हुई थी और शाम को 8 बजे उनका ऐलान हो गया था, उसके बाद आप सोचिए कि इस देश में लाखों लाखों लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर के लिए निकल पड़े थे अपने घरों से, और बहुत से लोग सड़कों पे चलते हुए, धूप गर्मी बरसात के चलते बच्चे बूढ़े जवान मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। जिस देश में एक ऐसी सूचना से इतनी अफरा तफरी इतनी बड़ी आबादी में मच सकती हो, जिसकी आबादी दुनिया में अब सबसे ज़्यादा हो, 150 करोड़ के आसपास जिसकी आबादी हो, और जिसमें 80 से 81-82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देके जीवित रखा जा रहा हो, जिसमें 10 करोड़ लोग अभी उस लाइन में है जो शिकायतें करते हैं कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है, यानी वो 80 करोड़ से ये अतिरिक्त 10 करोड़ है, 90-92 करोड़ लोग ऐसे हैं 150 करोड़ में से, 92 करोड़ यूरोप की आबादी के तिगुने, इतने लोग जिस देश में इस तरह से इस हाल में जीवित हो, जब पूरे पूरे राज्य में एक एथलेटिक खिलाड़ी न हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, इन सारे राज्यों में कितने खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स वगैरह में हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका मतलब जो हमारा सामान्य स्वास्थ्य है वो बहुत ही बुरे हाल में है। किसी तरह पेट में कुछ भर लेने को भूखमरी का उन्मूलन नहीं कहते। भूखमरी के इंडेक्स में जाने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, कितना प्रोटीन आदमी के शरीर में जा रहा है, कितने विटामिन्स जा रहे हैं, कितना वो पौष्टिक अन्न खा पा रहा है, सिर्फ पेट भरना तो एक अलग चीज़ होती है। तो ये जो फर्क है उनके आधार पर ये आंकड़े बने हुए हैं, और इस पर सिर्फ वही अपना प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं जो इनका हल नहीं करना चाहते।
बिल्कुल, आपने दो बहुत ही सटीक उदाहरण दिए कि जब कोरोना पीरियड में लॉकडाउन अनाउंस किया गया था तो आखिर क्यों लाखों लोग अपने घरों की ओर पैदल चल पड़े, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, सिर्फ इसलिए कि उनके पास रोजगार, डेली वेजेस खत्म हो गए थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इससे हम अंदाज़ा बड़े स्पष्ट तौर पर लगा सकते हैं कि दरअसल किसके पास कितनी दौलत जमा की हुई है और कौन कितना कमाता है। और साथ ही एथलीट्स का उदाहरण शीतल जी ने दिया बहुत ही बेहतरीन कि अगर एथलीट्स नहीं हो रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है, क्यों खिलाड़ियों की संख्या कम है और ये मेन स्टेट्स में से खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में बच्चों के बीच बौनापन, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, बौनेपन का आंकड़ा या जो बच्चों की का वेट होना चाहिए, जो उनका वज़न होना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं से कमी है। हमें सिर्फ मॉल और एयरपोर्ट्स पर उन बच्चों को नहीं देखना चाहिए जो कि मोटे हैं, तगड़े हैं और ओबीज कैटेगरी में आते हैं। थोड़ी सी गांव की ओर, थोड़े से अपने वर्कर्स की ओर अगर हम निकल कर देखें तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, लगभग 120 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास पीडीएस राशन वो ले रहे हैं, सस्ती कीमतों पर ले रहे हैं, मैं परिवारों की बात नहीं लोगों की बात कर रहा हूँ। और साथ में सरकार और भी योजनाएं लाती हैं, प्रधानमंत्री पोषण योजना इत्यादि वगैरह, इसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि ये स्थिति है? नहीं, हमारी ये तो मूलभूत समस्या है। ये स्थिति इसलिए है कि जो आय का अंतर है, जब हम उन आंकड़ों को भी देखते हैं ना कि हमारा एक तो प्रति व्यक्ति आय बहुत पुअर है भारत की, हमको बताया जाता है कि हम तीसरे स्थान पर आ गए, चौथे स्थान पर आ गए दुनिया की अर्थव्यवस्था में। वो इसलिए है कि हमारी आबादी पहले स्थान पर है। हमारी अगर तुलना फ्रांस से या ब्रिटेन से होगी, जिसमें 10 करोड़ लोग भी एक देश में नहीं है, हम 150 करोड़ हैं, उनके 15 गुने ज़्यादा है, तो हमारे 15 गुने ज़्यादा लोग चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर 15 गुना ज़्यादा लोगों से आप 15 गुना कम वाले का मुकाबला कराएंगे तो हमेशा 15 गुना ज़्यादा वाला जीत जाएगा। तो हमें वो आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन हमें वो आंकड़ा नहीं बताया जाता जो साफ है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है उन देशों के सामने जिनको हमने कथित तौर पर जीडीपी की ग्रोथ में हरा दिया है। उन देशों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? जब ये आंकड़ा सामने आता है तो हम नंगे खड़े हो जाते हैं। हम 2,500 डॉलर वाले हैं, वो 60-70 हज़ार डॉलर वाले उनकी इनकम है, यानी तब वो 20-30 गुना हमसे आगे हैं। तो यही एक समस्या है कि हम झूठे या चालाकी से कुछ बातें बता के, कुछ बातें छुपा के अपने को बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। ये झूठ हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा सच साथ साथ चल रहा है जो बता रहा है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय तो 2,500 डॉलर है, चीन की 12,500 है, हमसे 5 गुना ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, और जो वियतनाम की हमसे बेहतर है, अभी बहुत सारे देशों के हमसे बांग्लादेश की बेहतर हो गई थी, वो उनकी अपनी आर्थिक और दूसरी समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, लेकिन आय हमसे बेहतर हो गई थी। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा समवेत रूप में। हम अगर उसका टुकड़ा एक जो हमारे नेता हमें पकड़ा देते हैं कि हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, 3री हो गए, 4थी हो गए, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, रियलिटी ये है कि प्रति व्यक्ति आय में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, बहुत नीचे, बहुत गरीब देशों में है। और जब तक ये डिस्पैरिटी की वजह से है, हमारे यहाँ 1% लोगों के पास हमारी दौलत का 28-30% चला गया है और ये लगातार एक्युमुलेट हो रहा है, हर साल दर साल ये बढ़ रहा है, दूसरी ओर जो बड़ी आबादी है उससे लगातार घट रहा है, ये आंकड़े खुद सरकार द्वारा स्वीकृत किए हुए आंकड़े हैं। तो अगर एक छोटी सी आबादी के पास सारे साधनों से इकट्ठा किया हुआ धन चला जाएगा और बहुत बड़ी आबादी से उनका बहुत सारा जरूरी धन छीन लिया जाएगा, जो कि इस समय हो रहा है, तो ये हालत होगी कि एक आंकड़ा तो हमें आसमान पे पहुंचाएगा, दूसरे में हम पाताल में होंगे और जो असलियत है वो पाताल की तरफ है। और जो एक आंकड़ा आसमान की ओर पहुंचा रहा है वो आंकड़ा कागजों का आंकड़ा है, क्योंकि शीतल जी जो अभी बता रहे थे कि आबादी से कैसे हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, वो मैं आपको और आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि दरअसल जीडीपी के पैमाने पर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और जीडीपी किसे कहते हैं? किसी भी एक देश के भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी सामानों की बिक्री हुई,
जो सामानों का अंतिम मूल्य है और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, उन सबको अगर आप योग कर दें तो जो आता है वही उस देश की जीडीपी कही जाती है, अगर सरल भाषा में हम समझना चाहें तो। तो देश की आबादी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि देश में मिनिमम कंजम्पशन के आइटम्स भी ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा सामान बिकेगा, और जब ज़्यादा सामान बिकेगा तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन आम जो औसत इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत कम है, और उसमें भी 2 या 3 या 100 लोगों की अभी लिस्ट आई थी जिनके पास 90 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और अब ये फासला देखिए, जो रिचेस्ट ऑफ द रिच हैं उनमें भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दो जो सबसे धनी लोग हैं उनके पास 10-10 लाख करोड़ रुपए हैं, जो तीसरे नंबर पर सावित्री जिंदल हैं उनके पास 3 लाख करोड़ रुपया, माने इनके बीच भी 3 गुने का फ़र्क है जी। और ये फ़र्क भी हर साल दर साल बढ़ रहा है, तो ये फ़र्क सिर्फ बड़ी आबादी बनाम एक छोटी आबादी ही नहीं है, जो वो छोटी आबादी में भी वर्गीकरण है उसमें भी ये बीमारी उसी तरफ बढ़ रही है कि बहुत कम हाथों में सब कुछ का संकेंद्रण हो रहा है। ये हमारे राजनीतिक फैसलों में आप देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में हम उस पर जाएंगे तो वो बात फैल जाएगी, लेकिन चीज़ों पर ध्यान से देखिए, खबरों को ध्यान से पढ़िए, उनके खबरों के अंदर की खबरों को ढूंढने तलाशने की कोशिश कीजिए, आलोचनात्मक विवेक का इस्तेमाल कीजिए, तो जो हम समझ रहे हैं उसमें कोई जादूगरी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल, आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। और सत्य हिंदी पर आज के अर्थ अनर्थ में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपसे किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी और हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।